गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे अब हम आज अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.3। हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो मेथड हमको करना है बेटा, ये हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन मेथड से करना है। देखिए क्या होता है ये मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है। देखिए बेटे ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना होता है, ट्रांसपोजिशन में हमें x को एक साइड लेना होता है और नंबर एक साइड लेने होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में 5 ब्रैकेट के बाहर रखा है, तो इस 5 को ब्रैकेट के रखे दोनों नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई कराएंगे। 5x प्लस माइनस माइनस 5 to 10। अब यहां माइनस का 4 है, माइनस का 10 है, इस माइनस के 10 को इधर लेंगे। अब माइनस की वैल्यू को अगर इक्वल साइन के अदर साइड लेते हैं तो आपको पता ही है कि साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का 10 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये 5x ऐसे रहेगा, सो 5x की वैल्यू होगी 10 में से 4 गया 6। अब 5x इसका 6 है, मल्टीप्लाई वाला नंबर इक्वल साइन के अपोजिट अदर साइड लेते हैं तो डिवाइड में जाता है, तो ये 5 का चला जाएगा डिवाइड में, तो आंसर हो जाएगा 6/5। सिमिलरली अब क्वेश्चन ये है, इसमें भी क्या करेंगे, इस 3 को इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर रखा नंबर ब्रैकेट के अंदर के नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया 3x एंड 3 to 6। 16 इक्वल 6 प्लस 4 मिलकर हो गया 10 प्लस 3x। 3x को अकेला करेंगे और 10 को इधर ले जाएंगे, तो 3x इज इक्वल टू हो गया 16, 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, देखो प्लस का 16 के साथ लेंगे तो माइनस का हो गया 6, तो 3x इज इक्वल टू हो गया 6। और अब मल्टीप्लाई वाला नंबर, मल्टीप्लाई वाला नंबर इक्वल साइन के अदर साइड लेने पर डिवाइड में जाता है, तो 3 कहां चला गया 6 के डिवाइड में, आंसर हो गया 3 to 6। इसमें भी x एक साइड लेंगे नंबर एक साइड, प्लस का 2x इक्वल के इधर लेंगे तो माइनस का हो गया, प्लस का 5 इधर लेंगे तो माइनस का हो गया, 6 में से 2 गया 4x, 17 में से 5 गया 12, 4 मल्टीप्लाई में इधर लेंगे तो डिवाइड में जाएगा, आंसर हो गया 4 3 12। अब ये क्वेश्चन है 3x 3 3 9 इक्वल 5 2 10x 5 1 5। अब प्लस का 5 इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 9 और माइनस 5 मिलके माइनस 14 हो जाएगा, 3x इधर लेंगे तो माइनस का हो गया, ये हो गया 7x इज इक्वल टू माइनस 14, 7 14 के डिवाइड में लेंगे, आंसर आ गया माइनस का 2। अभी क्वेश्चन है क्या करेंगे, इसमें पहले 3 इनसाइड मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 2 6 3 1 3। अब माइनस का 2 जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 माइनस माइनस प्लस होगा मल्टीप्लीकेशन, 2 5 10x इक्वल 1। अब 6x और 10x मिलके हो गए 16x, माइनस का 4 और माइनस का 3 मिलके बनेंगे माइनस 7, चूंकि माइनस माइनस एडिशन साइन ग्रेटर नंबर, ये माइनस का 7 इधर लेंगे प्लस का हो गया 16x इसका 2 हो गया 8। अब 16 मल्टीप्लाई में इक्वल के अदर साइन लेंगे डिवाइड में जाएगा, 8 5 8 8 2 16, सो आंसर हो गया आपका 1/2। अब इसका फोर्थ पार्ट है बेटा, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी पहले इस 2 को ब्रैकेट के इनसाइड मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 2 4x माइनस माइनस प्लस 2 5 10, 2x 2 3 6 माइनस 8। अब माइनस 4x में से 3x आएगा तो माइनस का x आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, प्लस 10, 2x ऐसी माइनस 8 में से 6 गया 2 बच गया। अब क्या करेंगे, माइनस का 2 इधर लेंगे तो प्लस का हो गया, माइनस का x लेंगे तो इधर आके प्लस का हो गया, 3x इज इक्वल टू 12 हो गया, 3 12 के डिवाइड में जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। अब सेकेंड पार्ट में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दिया है, पहले इस साइड का एलसीएम ले लेंगे और इधर भी एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 2 तो x प्लस 3 आ गया, यहाँ एलसीएम आ गया 5, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 1 5, फिर
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, जब दोनों साइड फ्रैक्शन होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फाइव इसके साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में और टू इधर चला जाएगा, यू गया फाइव एक्स, फाइव टू जा फिफ्टीन, टू टू जा फोर, टू फाइव जा टेन। अब क्या करेंगे, प्लस का फोर इधर जाके माइनस का हो गया और प्लस का फिफ्टीन इधर जाके माइनस का हो गया, ये रह गया एक्स इज़ टू माइनस ट्वेंटी फाइव। थर्ड पार्ट है, इसमें भी इधर एलसीएम लेंगे और इस साइड एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा फोर, नाउ फोर एक्स, फोर से फोर डिवाइड हो जाएगा बचेगा एक्स, ठीक है, माइनस टू, फोर से टू को डिवाइड करेंगे टू वन चा टू। बेटा ये फिर से देख लीजिए, फोर एलसीएम है, वन से फोर को डिवाइड करेंगे फोर एक्स आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या करेंगे, फोर से फोर कटेगा एक्स आ जाएगा, फिर टू टू जा फोर वन चा टू, टू जा टू से फोर को डिवाइड करेंगे टू आएगा टू वन चा टू। सिमिलरली यहां पे फोर आएगा, फोर थ्री जा ट्वेल्व प्लस एक्स, ये आ जाएगा, ये एक्स और ये फोर और ये फोर कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि जब इसको इधर लेंगे तो ये दोनों ऊपर नीचे डिवाइड में आएंगे, इसलिए इनको कैंसिल कर देंगे। ये हो गया थ्री एक्स माइनस टू इसका टू ट्वेल्व प्लस एक्स। फिर क्या करेंगे, ये प्लस का एक्स इधर जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस का टू इधर जाके प्लस का हो जाएगा, टू एक्स इसका टू हो जाएगा फोर्टीन, टू डिवाइड मिलेंगे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी सेवन। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें भी इधर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम एटीन आएगा, नाइन से एटीन को डिवाइड करेंगे टू आएगा, टू इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, एटीन से एटीन को डिवाइड करेंगे तो वन आने वाला है, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू टू जा फोर, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इटसेल्फ आएगा, फिर ट्वेल्व एक्स और थ्री एक्स मिलकर फिफ्टीन एक्स हो गया, फाइव में से माइनस के फोर गया वन बचा, फिर दोनों साइड फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये एटीन को पहले इधर ले गए तो कट के सिक्स आ गया, फिर प्लस का वन इधर जाके माइनस का हो गया फाइव बचा, फिफ्टीन मल्टीप्लाई में इधर लेंगे तो डिवाइड में जाएगा, आंसर हो गया वन अपॉन थ्री। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें भी इस साइड एलसीएम लेंगे और इधर एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया टू, टू वाई माइनस वाई माइनस वन, थ्री माइनस वाई माइनस टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर, ऐसे यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, टू वाई में से वाई क्या वाई बचा प्लस वन, थ्री और टू फाइव हो गया माइनस वाई अपॉन थ्री। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि दोनों साइड फ्रैक्शन है, थ्री वाई, थ्री वन जे थ्री, टू फाइव जे टेन एंड टू वाई, माइनस का टू वाई लेंगे तो इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस का थ्री लेंगे इधर तो माइनस का हो जाएगा। अब ये हो गया सेवन, ये हो गया फाइव वाई, फाइव मल्टीप्लाई में इधर लेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एलसीएम थ्री है, थ्री ऐसे आ जाएगा, ऊपर के नंबर सेम आ जाएंगे, इक्वल वन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और ये थ्री इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा वन के साथ में। नाउ अब क्या करेंगे, फाइव में से टू गया थ्री एम, टू में से माइनस का वन गया प्लस का वन हो गया इक्वल थ्री, प्लस का वन इधर लेंगे तो माइनस का हो गया, एम की वैल्यू हो गई टू अपॉन थ्री। अब सेवन पार्ट है, इसमें भी इधर और इधर दोनों साइड एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम टेन आ जाएगा, थ्री एक्स फाइव से डिवाइड करेंगे टू, टू टू जा फोर, सिमिलरली एलसीएम ट्वेंटी फाइव आएगा, ऊपर के नंबर सेम आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये आपस में कट्स हो सकते हैं इसलिए फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव टू जा टेन कर दिया से, फिर फाइव इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और टू इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, फिर फाइव टू जा ये दोनों ऐड हो गए सेवन एक्स और फाइव सेवन जा थर्टी फाइव हो गया, ये टू दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का फोर्टीन इधर लेंगे तो माइनस का हो गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्वेंटी वन हो गया, आंसर हो गया फिफ्टी एट अपॉन ट्वेंटी वन। क्वेश्चन नंबर एट है, एट पार्ट है, दोनों साइड फ्रैक्शन है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेवन इधर जाएगा और थ्री इधर चला गया, सेवन अंदर मल्टीप्लाई करा, थ्री भी दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया, फिर माइनस का इधर लेंगे तो प्लस का हो गया, माइनस का फिफ्टी सिक्स इधर लेंगे तो प्लस का हो गया, ये हो गया नाइनटीन, ये हो गया आपका सेवेंटी सेवन, वाई की वैल्यू हो गई सेवेंटी सेवन अपॉन नाइनटीन।